हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप WPS ऑफिस है जो उसको किस तरीके से यूज करोगे। मान लो जो आपके पास एक आधार कार्ड है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ करते हैं, और मान लीजिए आपका कोई सर्टिफिकेट है, कोई बोर्ड का सर्टिफिकेट है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है और उसमें कुछ अलग है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप फोन पे इसको सही कर सकते हो। ठीक है, उसको किस तरीके से आप यूज करोगे WPS ऑफिस को, उसमें आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, उसमें अदरवाइज और कुछ भी अगर गलत है तो आप उसको सही कर सकते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप सही तरीके से उसको यूज करें और उसको इलीगली तरीके से आप यूज ना करें, क्योंकि ये कि सब इन्फॉर्मेशन उसके लिए है। मान लो जिसके पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स है, और अगर मान लो कोई प्राइवेट जॉब करता है और उनके लिए वो करना चाहता है और उसमें जोड़ना चाहता है, तो आप उसको कर सकते हो, उसमें वो जोड़ सकते हो, साथ साथ उसको जो एड्रेस गलत है उसका प्रूफ है उसको सही कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा टाइम आता है कि किसी के पास नहीं है सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा हुआ और उसमें कुछ और लिखा हुआ, उसको सही करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको मेंटेन कर ले कि उसमें आधार कार्ड में एक जैसे हो जाए, और अगर पैन कार्ड में अगर डेट बदलता है आपका तो उसको सही कर सकते हो जिससे आपका काम चल जाए। साथ ही साथ वही मतलब वीडियो तो सभी देखें, ये नहीं कहता कि आप वीडियो ना देखें, सभी सीखें, बाकी उसको सही तरीके से यूज करें और गलत यूज ना करें, क्योंकि ये जो यूज है मतलब आप बहुत ऐसे हैं कि उसको गलत यूज करते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत बना देते हैं, ज्यादा बढ़ा दिया, कम बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना। आप अपने हिसाब से मान लीजिए आपको आवश्यकता के अनुसार से, आपको जरूरी कहीं जरूरत है उस चीज की, वहां पे उसका इस्तेमाल करें, ना कि बेमतलब उसका यूज करें। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर टॉपिक हो कि WPS ऑफिस को आप किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से अपने आधार कार्ड सभी में उसमें चेंज कर सकते हो बहुत सारी चीजों में। तो लास्ट तक वीडियो देखें तभी समझ पाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बाकी यही है कि उम्मीद यही है कि आप सीख जाए, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से आप WPS ऑफिस को डाउनलोड कर लें। WPS ऑफिस ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन कर लें, और अगर प्ले स्टोर से करना चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो आप इसको एग्री कर दें। एग्री करने के बाद में इसमें थोड़ा सा इसमें लिखो स्टार्ट WPS ऑफिस, तो इसको नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे अलाउ दे दें कंडीशन को, और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए 3 डे फ्री टू ट्रीटल, मतलब 3 दिन तक आप इसमें फ्री यूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है PDF एडिट और PDF टू डॉक्यूमेंट्स, PDF सिग्नेचर, नो एड्स, डॉक्यूमेंट्स रिकवरी, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इसमें 1425 रुपये दिए जाएंगे पर ईयर्स का, मतलब 1 साल का। तो ये चीज़ें तो बहुत अलग हैं, हम उस चीज़ को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक साइड में 3 डॉट हैं, इधर नहीं दूसरी तरफ आप ओके करें। यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे एक आप गूगल अकाउंट चूज़ कर लें, इसमें तीनों ऑप्शन में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी लगा सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, या गूगल आईडी से, तो हम गूगल आईडी ले लेते हैं, तो गूगल आईडी से हम सिंग इन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे गूगल्स अकाउंट हैं, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं फर्स्ट वाले को, यहाँ से हम सिंग इन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में आपको दिख भी जाएगा कि सिंग इन हो गया है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखा देगा। देखिए, थोड़ा वेट करें, नेट स्लो हो था, तो ये देखिए ऊपर की तरफ आ गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नाम आ चुका बिंदर सिंह, यहाँ पे लिखा गो प्रीमियम, तो गो प्रीमियम पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप चेक देखें, यहाँ पे ये जो WPS प्रीमियम का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ लिखा अपग्रेड टू प्रीमियम, तो अपग्रेड मतलब एक मंथ का आपको 360 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसमें इतने फ्यूचर अनलिमिटेड, आप इससे कुछ भी कर सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे 12 मंथ का देते हैं 1800 रुपये, तो यहाँ से ये बहुत सारे इसमें फ्यूचर्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए, और नई मेंबरशिप मिल जाएगा WPS की, ये सब भी इसमें मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे जितने भी फ्यूचर्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑपरेशंस, PDF एडिट, PDF टू डॉक्यूमेंट्स, PDF सिग्नेचर,
एनोटेशन, उसके बाद आता है पिक्चर शेयरिंग और PDF एक्सट्रैक्ट, क्लाउड स्पेस, मतलब इसमें स्पेस भी दिया जाता है, इसमें बहुत सारा स्पेस है, 20 GB तक आप इसमें बहुत सारे, और इसमें मैरिड डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट वाटरमार्क, इसमें वाटरमार्क भी लगा सकते हो इसका, और इमेज टू PDF, इमेज को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये इसमें सभी फ्यूचर आपको अवेलेबल है। उसके बाद ऑस्कर, पासपोर्ट एंड वीज़ा फ़ोटो, ये सभी चीज़ इसमें आपको उपलब्ध मिल जाती हैं। इतने में हम इसको नहीं लेना चाहते, तो हम आप अपग्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे आप ओके करेंगे तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट आपको पेमेंट ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। तो पेमेंट आप यहाँ से करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। देखिए हम एक बार चेक करा देते हैं, फिर हम रिटर्न चल जाएंगे, और हम जो मेन हमारा मुद्दा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक पर हम रिटर्न पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क कनेक्शन इज फ्लैट, तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से फ्लैट बता रहा, तो ठीक है आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम, ठीक है। करना क्या होगा आपको, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, यहाँ पे इनवाइट टू अर्निंग, यहाँ पे चेक का ऑप्शन होता है, इसमें चेक इन, आप डेली कुछ इसमें कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, आप उनको चेक कर लें, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू चेक इन, पहला दिन योग्य, तीसरे दिन ही होता, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे फ्यूचर दिए होते नीचे की तरफ, बाकी इसको 3 दिन आप कर सकते हो, उसके बाद बहुत सारे फ्यूचर्स आपको मिल जाएंगे। अब करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं, आप बैक कर लें। बैक करने के बाद में आप फाइल में आ जाए, मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का आप मतलब समझते ही होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, यहाँ पे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई आधार कार्ड है या कोई और कोई सर्टिफिकेट है, तो सबसे पहले हम आधार कार्ड की बात कर लेते हैं, तो आधार कार्ड को लेते हैं, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के लिए जो जैसे हमने पिछले आधार कार्ड में बताया था कि किस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पे शो पे टिक कर दें, बड़ा अल्फ़ाबेट चूज कर लें, जैसे मेरा नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के 4 अक्षर बड़े और पीछे नंबरिकल मतलब नंबर लगा दें, जैसे गणित मैथ वाले, तो ओके कर दें। ओके करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस ये सो जाएगा, देखिए हमारे यहाँ पे PDF आ चुकी है, तो हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी क्लियर दिख रहा होगा, ओके यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, मेरा नाम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, वो कैसे वो आप लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को देखेंगे तभी समझ पाएगा पाएगा, स्किप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है मोबाइल व्यू, तो मोबाइल पे ओके नहीं करना, हमें एडिट पे चलना है। एडिट पे चलने के बाद में यहाँ पे देखिए हमें VPS ऑफिस में डायरेक्ट ले गया, फिर यहाँ पे आपको एक बार फिर से आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा जिससे ये आपकी फ़ाइल को शो कर सके, ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखिए डिस्प्ले पे आप शो कर सकते, डिस्प्ले पास, देखिए यहाँ पे आ चुका। हम थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से करके देख लेते हैं, आपको दिखा देते एक बार। इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे एडिट पे किया, ओके, एडिट पे ओके जाने के बाद हमें क्या करना है, टैक्स एडिटर पर करेंगे, तो यहाँ पे टैक्स आ चुका है, तो टैक्स एडिट पर जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा हम इस तरीके से कर लेते हैं, और आप इसको डेट ऑफ बर्थ को मतलब 95 था तो 99 कर दें, ओके, तो ये कर दिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं, मान लीजिए नाम है, यहाँ पे नाम पे जाकर आप टैक्स एडिट पर जाएं और नाम पे आ गए, चूज कर लेते हैं इंग्लिश में, सॉरी थोड़ा मिस्टेक आ रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने इसको यहाँ पे देखिए हमने सेट कर दिया, तो इसको इस तरीके से देखिए हमने नाम लिख दिया, तो आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो। मान लो ये नंबर है, टैक्स एडिट पर जाते हैं, नंबर है, इस नंबर में अगर मान लो आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं हम, तो ये हमने देखिए यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ओके। और सेम बिल्कुल ऐसे ही करना चाहते हो जैसे ये नामांक थे, तो उसका भी आप बिल्कुल, मेरे पास एक और रास्ता है, इसमें आप कैसे करोगे, सॉरी इसमें थोड़ा ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 48, तो 48 को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है।
ये नंबर इनको मिटा के दोबारा से डाल सकते हो, जिससे सभी सेम हो जाएं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है हमें तो एक जैसे नहीं हो रहे, तो इनको आप अलग भी करके कर सकते हो। ये यहाँ पे देखिए हम लगा देते हैं कुछ और, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5 5 और 6, ठीक है। तो ये हो गए पूरे, अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पे बन चुका है, ओके। ये देखिए इसको थोड़ा दोबारा से टिक करेंगे तो आप ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको, वो आपके ऊपर है। आप इसको ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, देखिए वहाँ पहुँच गया ये। इसको नीचे भी ला ले सकते हो आप, तो इसको यहाँ पे ये यहाँ पे रखा जाता है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे रख दिया हमने। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर में इसमें चेंज कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। एड्रेस एड्रेस यहाँ पे आप एड्रेस को वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे एडिट पे जाओगे, और अदरवाइज आप नहीं करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से करोगे, यहाँ पे करोगे, कलर डालना चाहते हो, देखिए दोबारा से टेक्स्ट एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं, और अदरवाइज कोई और चीज़ डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे कलर्स हैं, तो ये कलर्स हैं, आप इसमें कलर्स डाल सकते हो, देखिए ये कलर हो गए। बहुत सारी इसमें फ्यूचर्स हैं जो आप इस तरीके से इसमें सुधार कर सकते हो। अदरवाइज आप पैन कार्ड, अदरवाइज कोई और डॉक्यूमेंट्स उसका भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप इस तरीके से आप इसको बीच से वापस करते हैं, और यहाँ से आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे आप कहीं पे भी सेंड कर सकते हो, और यहाँ से डन पे करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे PDF एंड फ्यूचर मेंबर्स वेंट टू सेव द चेंज, तो यहाँ पे लिव एंड मोर, तो यहाँ पे आप चेंज कर सेव हो गया, ठीक है। तो ये सेव हो गया, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम वही एड्रेस है। तो इसको आप सेव करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे, PDF टू, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको आप सेव भी कर सकते हो, ओके। तो ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, और शेयर करना चाहते हो यहाँ से आप किसी को शेयर कर सकते हो, और सेंड टू फाइल, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग इमेज यहाँ पे करना चाहते हो तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाटर मार्क है, विदाउट वाटर मार्क, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसमें, और इसको इस तरीके से करके आप आगे पीछे कर सकते हो। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिल जाए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, अगर मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और नीचे मैं बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप, मेरा जो ग्रुप है टेक्निकल मेंबर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में मेंबर 500 हो चुके हैं, आप वहाँ पे जुड़े, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसमें, और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ वहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑफर होते हैं, उनके लिए चुनिंदा जो होते हैं, जैसे बहुत सारे चुनिंदा ग्राहक होते हैं, उनके लिए पेटीएम ओपन है, फ़ोनपे है, गूगल पे, सभी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, और आप जुड़े रहें, और आशा करता हूँ आज की वीडियो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, साथ साथ हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।